देश में हर दिन कई अलग अलग घटनाओं में लोगों की मौत होती है, कई लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जब लोग रेल पटरियों पर अपनी जिंदगी को खामोश कर देते हैं। लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इस तरह की घटना रेल पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है। रेल पटरी पर खुदकुशी करने की ज्यादातर घटनाएं आबादी वाले इलाके से दूर सुनसान जगह पर होती है। इसके अलावा लापरवाही और रिस्क के कारण भी पटरी पर लोगों की मौत हो जाती है। पटरियों पर जो मौत होती है, जो पटरी से कटते हैं तो उसमें कुछ लोग तो आत्महत्या करते हैं, कुछ लोग लापरवाही से बिना देखे हुए रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं और कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते समय और उतरते समय थोड़ा सा लापरवाह होते हैं तो गलत स्टेपिंग से उनका पैर चला जाता है, वो भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जमशेदपुर के टाटा नगर रेल एसपी के मुताबिक हर साल पटरी पर 100 से ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं होती हैं। इसे रोक पाना रेल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सुनसान जगहों पर पटरी पर आत्महत्या की घटना घटती है तो ऐसे में रेल पुलिस के लिए तुरंत घटना स्थल पहुंचना और मृतक की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ट्रेन से हुई घटना के कारण कई बार शव इस हालत में मिलता है कि पहचान करना ही मुश्किल हो जाता है। चुनौती होती है क्योंकि पहला तो घटना स्थल पहुंचना अगर हमारे स्टेशन से दूर है, हमारे क्षेत्र में है लेकिन रेलवे स्टेशन से दूर है तो वहां पहुंचने में कुछ समय लगता है और सबसे बड़ी परेशानी होती है उसको आइडेंटिफाई करने की, जो मृतक है जो रेल से कट गया है वो लोकल है बाहर का है कहाँ का क्या है, उसको चिन्हित करने में आइडेंटिफाई करने में समस्या आती है। रेलवे लाइन के आसपास बसे बस्तियों में रहने वाले पटरी पर डेरा जमाए रहते हैं। रेलवे द्वारा पटरी को पार करने से रोकने के लिए लोहे की बैरिकेडिंग की जाती है लेकिन जान जोखिम में डालकर लोग बेखौफ पटरी को पार करते हैं। बस्ती में रहने वाला युवक विष्णु कुमार का कहना है कि खुदकुशी के लिए लोग सुनसान जगह खोजते हैं। बस्ती में रहने वाले चिंतामणि बताते हैं कि 3 बार उन्होंने लोगों को बचाया है। एक बार युवक खुदकुशी के इरादे से आगे बढ़ा था लेकिन चिंतामणि ने दौड़कर उसे पकड़कर खींचा और उसकी जान बचाई थी। जो ट्रेन से आत्महत्या करते हैं वो जो खानी आबादी जिस जगह रहता है उस जगह आत्महत्या नहीं करते हैं, वो सुनसान जगह को खोजते हैं आत्महत्या करने के लिए, वहीं पर जाकर आत्महत्या करते हैं और ये सरासर बहुत गलत है। हमारे इस रेल क्षेत्र में कई ऐसे दुर्घटनाएं हुई है जो कि एक क्रॉस लाइन में जाते वक्त हम लोग, मैं खुद लोगों को चेतना दिया भी है और हाथ पकड़ के बचाया भी है। समाज सेवी सुबोध सिंह सरदार बताते हैं कि बचपन में उनसे सीनियर एक छात्र उनका दोस्त था। वो पढ़ने में तेज था लेकिन घर में किसी बात पर डांट खाई और उसने ट्रेन से कट कर खुदकुशी कर ली। इस घटना से उन्हें काफी दुख पहुंचा। एक को हमको बचपन का याद है, मेरा एक को दोस्त था और हमसे 2 साल का सीनियर था बचपन। वो घर में कुछ कहा सुनी या कुछ बोला होगा, वो सुसाइड कर लिया रेलवे ट्रेन में। हम लोग स्कूल से गए थे देखने के लिए तो वो दिन याद आता है बचपन से, अभी तक मेरा छुट्टा नहीं है, उनका याद करते हैं। और बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत टैलेंटेड, स्कूल में अपना क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास करता था। इस तरह के हादसे से हमें सीख लेने की जरूरत है, साथ ही ये भी सोचने की जरूरत है कि जान दे देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। चुनौतियों का सामना करें और लापरवाही से बचें। जितेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, जमशेदपुर।